सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई एक तरीके से आप लोग कह सकते हो ये फॉलो अप वीडियो है, लेकिन कुछ लोग या फिर मेरी जो फैमिली है जो इतनी बड़ी है उनमें से कुछ लोगों ने इसके बारे में नहीं देखा होगा, उनको नहीं पता होगा। तो भाई मैंने अपनी स्विफ्ट के अंदर एक डिजिटल स्पीडोमीटर लगाया था जो कि एज अ टैकोमीटर भी काम करता है। उसके अंदर आपको टेम्परेचर पता चल जाता है, उसके अंदर आप लोगों को एवरेज भी पता चल जाती है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सो जो सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी के अंदर ओबीडी मीटर जिसको बोला जाता है, जो कि ओबीडी के थ्रू कनेक्ट होता है, कैसे होता है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लगाया हुआ था। तो ये मेरा पुराने वाला था जो कि मैंने लगाया है। मीनवाइल मैंने नया वाला लगवाया था, तो कुछ लोग जब मैं स्टोरीज बनवा रहा था अपनी इंस्टाग्राम की, बनवा नहीं रहा था, बना रहा था इंस्टाग्राम की, तो लोगों ने देखा, लोगों ने कहा प्लीज़ उसके बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है जो कि न्यूली बिल्कुल हमारी फैमिली में ऐड हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको इस चीज़ के बारे में बता दिया जाए। तो यहाँ पर वायर भी है, यहाँ पर ये भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या सेटअप है, और उसके बाद बताऊँगा कि भाई कैसे इसका फ़ायदा हो रहा है, क्या मेरे को अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर इट और लेने अब वर्थ है कि नहीं है, और कौन कौन लगवा सकते हैं, कौन कौन नहीं लगा सकते। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। भाई इस गाड़ी का दरवाजा जो है वो ऑलरेडी खुला हुआ है, और सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है मैं इसमें चाबी लगा रहा हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ी लाइटिंग और नीचे आ जाए। सो सबसे पहले हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं भाई, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को आई गेस ये दिख रहा होगा, ये जो चीज़ लगी हुई है, सो इट्स बेसिकली है ओबीडी मीटर, जो कि ओके लग भी गया कैमरे में। सो ये ऐसे रिमूव हो जाता है, और इसको वापसी लगाना हो तो ऐसे ही ये टाइट भी हो जाता है, ठीक है। पीछे ये पूरे नीचे से तार जाते हुए वो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। सो इधर एक बार बैठ के दिखाता हूँ देखो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और बिल्कुल परफेक्ट जगह है, बिल्कुल इसका प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है। और अगर आप इसमें सही से देखोगे तो आप लोगों को बाहर का जो ये 64 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ये इंजन की हीट है। जब ठंड के टाइम पे मैं इसको ऑन करता था तब 80-80 तक रहता था, मतलब वो माइनस में एक तरीके से होता था कि इंजन तो ठंडा पड़ा हुआ है। और 12.2 वोल्ट जो दिखा रहा है ये बेसिकली बैटरी की परसेंटेज दिखा रहा है जो इसमें आप लोगों को दिखा। तो ये बंद हो गया क्या? अब मैं इसको पूरा सही तरीके से, मैंने गाड़ी का इग्निशन जो है वो ऑन किया है। तो मीनवाइल जो है भाई यहाँ पर आप लोगों को एक नया चीज़ दिखाता हूँ। तो दिस इज़ माय जेरी, तो ये अभी गाड़ी के साइड में बैठा हुआ है भाई। तो ये जो है मैंने एक छोटे बच्चे से ही लिया हुआ है, ठीक है, मैं रिटर्न कर दूंगा थोड़े टाइम के लिए। मैं भी सोच रहा था भाई इसको अपनी गाड़ी के अंदर रखा जाए। तो जिन जिनको नहीं पता भाई, आई एम ए वेरी बिग टाइम जो है अपना ये टॉयज़ के लवर हूँ मैं, जो टॉयज़ सेलेक्ट करता है उसके अपने पास भी रखता है। और इसी के साथ में मेरे यहाँ बहुत सारे टॉयज़ आप लोगों को रखे दिख जाएंगे। सो बैक टू आवर वर्क, तो भाई आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया था, तो आप लोगों को पहला यहाँ पर स्पीडोमीटर वाली चीज़ दिख रही है। आप इसको राइड करोगे यहाँ पर आप लोगों का ये टैकोमीटर, जैसे एक्सेलेरेट करूँगा बेसिकली RPM जो है वो बताता है, ठीक है। इसके थर्ड जो आता है इसमें बेसिकली क्या है, ये आपकी बताएगा एवरेज क्या है पर लीटर पर आर वाला जो खेल है। इसके बाद और जाओगे तो ये आपके एवरेज बताया था 100 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग, ये एवरेज बताता है। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने 100 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चलाई है, चलाई होगी, वो 19 की एवरेज मेरे को दे रही है। अभी कितना करेक्ट है वो तो नहीं पता, बाकी ये मैंने जितना किलोमीटर इसको ड्राइव कर लिया है, यानी इस मीटर को लगने के बाद 682 चलाया हुआ है। इसके बाद 69 डिग्री जो आप लोगों को मैंने बताया था बाहर वाला, एंड देन बैक टू द नॉर्मल। एंड भाई इसकी जो वायरिंग है पूरी पीछे से आ रही है, देख लो वायरिंग आई गेस आप लोगों को दिख रही होगी, ये वायर पूरी पीछे से होती हुई आती है, और ये नीचे की तरफ से अंदर की तरफ मैंने फिट कराई है। इट्स गोइंग ग्रेट, रात को देखने में काफ़ी मज़ा आता है भाई। ये है अपना डिजिटल स्पीडोमीटर जो कि यार बहुत बढ़िया रिस्पांस देता है। जब भी मैं रात में ड्राइव कर रहा होता हूँ मेरे को नज़र इस तरफ नहीं लानी पड़ती, सबसे बड़ी बात, मैं सीधे ऊपर देखता रहता हूँ। अगर कुछ ऐसा फ्यूल गॉज वाला भी चीज़ आता है तो वही मैं इसके अंदर देख लेता, लेकिन फ्यूल के लिए मेरे को इधर अंदर देखना पड़ता है, ठीक है। बाकी भाई एवरेज तो अपनी गाड़ी में यहाँ से भी पता चल जाती है। बाकी एक चीज़ बताया था, जो स्पीडोमीटर का रिस्पॉन्स है अगर इसमें 60 हो रहा होता है तो इसमें आप लोगों को स्पीड शो होगी 56, तो 4 का फर्क आता ही आता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो गाइस आप लोग जानते हो कि मुसाफिर हमेशा कोशिश करता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीज लेके आते रहे, तो जैसे अपना ये जेरी लेके आया था मैं, ठीक है भाई, तो वैसे ही आप लोगों के लिए मैं ये वाला ओबीडी मीटर भी लेके आया हूँ। तो एक चीज बताया तो भाई, अगर आप लोगों को भी कोई गाड़ी में डिजिटलाइजेशन वाली चीज चाहिए जिसमें आप चाहते हो कि भाई डिजिटल आपका स्पीडोमीटर हो, आप लोग नॉर्मल वाले एनालॉग वाले से बोर हो चुके हो, तो आप लोग जा सकते हो भाई इसके लिए। और इसी के साथ में इसकी वायरिंग काफ़ी बड़ी होती है, ये नॉर्मली
जैसे ये पुराने वाले की है तो ये सेम वायरिंग दूसरे में भी आई है, और बहुत सारी कंपनियां जिससे आप लोग परचेज कर सकते हो। कोशिश करूंगा एक दो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूं, कोशिश करूंगा भाई अगर कोई मेरे को सही लगा तो। मैंने जो है इसको मंगाया था एली एक्सप्रेस से, और दूसरा वाला मैंने मंगाया था आई गेस बैंगू.com से मंगाया था, और अभी तक इट्स गोइंग गुड। एली एक्सप्रेस से रिस्पॉन्स वाइज एक महीना लग जाता है आने में, लेकिन सही है भाई, सामान ओके आता है। अब बात करते हैं कौन कौन लोग इसको अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। मैंने इस डिवाइस को लगाने की कोशिश की थी अपनी जिप्सी में, डिवाइस लग के चल नहीं पाई। रीजन केवल यही था कि जिप्सी है BS3 भारत स्टेज 4। जिन भाइयों को नहीं पता भारत स्टेज 4 क्या होता है गूगल में पढ़ लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा फिर आप कहोगे नहीं यार इसमें ये चीज ऐड ऑन हो सकती थी, इसमें ऐड ऑन हो सकती थी, तो फॉर अ सेफर साइड आप लोग खुद सर्च कर सकते हो। जहां तक बात है अपनी इस गाड़ी की, दिस कार इज अ BS4 कार, तो BS4 होने की वजह से इसके अंदर जो है ये स्पीडोमीटर बिल्कुल ओके रिपोर्ट तरीके से चल जाता है। इसी के सिवा एक्सेप्शन जो है मेरी जो i20 है वो भी BS4 है, लेकिन जब मैंने उसको इससे कनेक्ट किया था तो ये मीटर फेल दिखा रहा था, नल एरर दिखा रहा था। आई रियली डोंट नो क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें ऑलरेडी मीटर है तो उसमें मेरे को लगाना नहीं है। बाकी आप में से कोई के पास भी अगर BS4 हो जिसके अंदर आप लोगों का बेसिकली OBD मीटर लग सके, वो ही इस चीज को परचेज करना। रिस्पॉन्स वाइज इट्स वर्दी भाई लेना, बिल्कुल पक्की बात है, मजेदार चीज है, बहुत सारी चीजें पता चलती रहती है। मेरी गाड़ी में इतना सिस्टम लगा हुआ है तो सिस्टम लगने के बाद मेरे को चेक करते रहना पड़ता है कहीं पर वोल्टेज लूज तो नहीं हो रही है, कहीं पर वोल्टेज की दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो ये वहां पर बेनिफिशियल है और इट्स गोइंग ग्रेट भाई। ठीक है, तो हम गैजेट जो है वो मैं शौक रखता हूँ गैजेट का, तो भाई गैजेट का शौक रखते तो उसकी नॉलेज रखना भी जरूरी है। बाकी जो इसकी आप लोगों की USB है, ये नॉर्मल वाली जो चार्जिंग केबल होती थी पहले, ये वैसी वाली केबल है। और पीछे जो ये पिन है, पिन मैंने गिनी नहीं है, गिन लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 पिन वाला होता है ये जो आप लोगों का OBD मीटर होता है। ठीक है, और बाकी तो भाई इतना ही कुछ है इसमें दिखाने के लिए। बाकी यार आप लोगों में से बहुत सारे भाई पूछ रहे थे, तो भाई डिजिटल स्पीडोमीटर अगर आप लोगों को भी अपनी स्विफ्ट में या किसी भी गाड़ी में लगाना है जिसमें एनालॉग वाला है, तो भाई यू कैन श्योरली गो फॉर इट। वीडियो बहुत छोटी थी, स्वीट थी, सिंपल थी, क्योंकि भाई केवल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है भाई, जिस चीज में जरूरत होती है उसमें बड़ी वीडियो बनाता हूं, इसमें जरूरत नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन स्टिल आप में से कई लोग चाहते होंगे इसको ऑन कर दूं, तो आप लोगों के लिए जो है मैं इसको कनेक्ट भी कर रहा हूं। ठीक है, बहुत ईजी होता है भाई कनेक्ट करना, और इसको अनकट ही रखेंगे। थोड़ा इसको कनेक्शन करता हूँ पहले, नीचे कुछ भी नहीं करना है यार, OBD मीटर लगाओ बस नीचे, इतनी तो देर भी नहीं लगती है। 1 2 3 4 5 ओके, तो भाई नीचे से तार जो है वो मैंने कनेक्ट कर दी है, और ये रहा आपका पीछे इसके जगह दी होती है। ठीक है भाई, पीछे लगाओ, करेक्ट होने के साथ में इसने टू करके आवाज आई, AUTOOL, सो अटूल कंपनी का है ये, कुछ स्पेल गलत कर जाऊं तो माइंड मत करना। ठीक है भाई, इसमें लिखा हुआ आता है KWP, और दिस इज ऑल्सो ऑन, देख सक रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आई गेस देख पा रहे होंगे, इसमें मोड भी चेंज हो जाते भाई। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, और इसमें भाई बहुत अच्छी चीज थी, इसमें OBD डायग्नोज सब कुछ था, क्योंकि मेरे को काफी बढ़िया चीज लगी थी। ठीक है, और इसमें स्कैन वैन सब कुछ आता था, नो DTC, मतलब वो सब चीजें चेक करता था कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाले के अंदर जो मैंने रिसेंट वाला लगाया, इसके अंदर इतने ज्यादा फीचर नहीं है जितने इसमें थे, एंड साथ में बहुत प्रोडक्टिव लगता है और थोड़ा डिफरेंट लेवल का लगता है जब गोल सी चीज आप लगा के रखोगे। तो कीप प्रेसिंग फॉर रिटर्न, तो भाई गाइस इसके बाद बारी आती है कि मैंने जो अपनी ये दूसरी वाली डिवाइस है जो आप लोगों को दिखा रहा था, ये भी मैंने कनेक्ट कर दी है, और ये ऑन कैसे होती है आपको मैं लिटरली दिखाता हूँ। ये अपना नॉर्मल वाला जो USB होता है ये वो है, इसके पीछे उसका पोर्ट दिया हुआ है, इसको इसके अंदर हमने इंसर्ट किया और पी करके आवाज आएगी, एंड ये अपना ऑन हो जाएगा। कंपनी देख लो भाई, और टूल कंपनी का है ये। ठीक है, सो इट वर्क्स वेरी परफेक्टली, और अपने आप ही फिर भाई उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जो सा मोड आपने सेट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यही है, बस यही है कि इसमें आगे की तरफ में सारी सेटिंग चलती है, पीछे की तरफ नहीं चल पाती है। क्लॉक भी दिया हुआ है इसके अंदर, तो इग्निशन भी है, तो इसके लिए भाई बहुत तारे तूरे कटती है, तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं कराया। बाकी इसका कनेक्शन इस सुपर ईजी, कुछ नहीं करना, सीधे कनेक्ट किया, ऊपर लगाया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। OBD में नीचे तार टच हुई, ऊपर से ऐसे घुमाया, इसको फिट कर दिया, एंड यू आर गुड टू गो। सो भाई आई होप कि आपकी वीडियो, सॉरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपकी वीडियो कह रहा था, वैसे वीडियो आप लोगों की है, तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, लगाओगे आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो बिना लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। प्रोडक्ट अगर आप लोगों को पसंद आया और आप चाह रहे हो कि मुसाफिर भाई भी बताए कि कहां से परचेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बात आती है कि यार क्या प्राइसिंग रहने वाली है, तो भाई जो प्राइसिंग है OBD मीटर्स की वो एक
प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में डिफर करती रहती है। तो भाई जो मैंने परचेज किया था पहला प्रोडक्ट जो था वो मेरे को 1800 कुछ का कॉस्ट किया था, दूसरा वाला प्रोडक्ट जो मैंने अभी परचेज किया है इसने मेरे को 2400 रुपए का, आई गेस आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, 2400 रुपए का मुझे कॉस्ट किया, क्या पता आप सस्ता हो गया हो या फिर महंगा हो गया हो। लेकिन एक चीज आप लोगों को फॉर क्लैरिटी बताता हूँ भाई, प्रोडक्ट अच्छा है भाई, लेने लायक है। बाकी अगर आप लोगों को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि उधर से खरीदो, जहां से आपको बढ़िया चॉइस मिले, ऑफर अच्छा मिले वहां से परचेज कर लेना। बताना मीडियम केवल आपका भाई एक मीडियम है, बाकी सारा आपने खुद सोच के समझ के खरीदना है और आई गेस कि आप लोगों को एक आइडिया तो मिल गया होगा। मुसाफिर भाई हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए सोचता है, अपनी ऑडियंस के लिए अच्छा सा कोई प्रोडक्ट लेके आता है। तो भाई देखो मैं जो हूं मैं कोशिश करता हूं कि खुद किसी प्रोडक्ट को यूज करूं। इस सेम प्रोडक्ट को मैंने 7 महीने पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि मैंने लगाया है, अब जाके मैं इसके बारे में एक तरीके से आपको रिस्पॉन्स वीडियो में बता दी। इसी के साथ में मैंने डिवाइस भी चेंज किया, रीजन भी कि डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं अभी बता रहा हूं, केवल मेरे को थोड़ी सी ब्रॉड डिवाइस चाहिए थी और मैं चाहता था कि उसमें अच्छे से आपको स्पीडोमीटर वाला दिख जाता है, इसीलिए मैंने इसको लगवाया। और बाकी जो है जब योली क्लिप खत्म होगी तो नेक्स्ट वाली में आपको गाड़ी चल रही होगी और वो आपको दिख भी जाएगा सीन, हाँ भाई कितना परफेक्ट तरीके से चल रहा है। और भाई एक चीज आप लोगों को बताऊं, मैं जो हूं मैं कोशिश करता हूं मेरी ऑडियंस के लिए जो चीज बढ़िया हो मैं वो बना सकूं। मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि यार कुछ भी चीज मिल रही है भाई वीडियो बना दो, कभी नहीं बनानी, ऑडियंस के लिए हमेशा सोचना है, क्योंकि ऑडियंस इज द किंग। जैसे मैं बोलता हूं कंटेंट इज द किंग, ऑडियंस इज द किंग, और हम लोग है जो लोग आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम लोगों का जो फर्ज है भाई आप लोगों को अच्छी चीजें बताओ। और एक चीज बताता हूं भाई, अगर कोई प्रोडक्ट फ्री में भी आ रहा है तो उसको यूज करो, उसका रिस्पॉन्स देखो और अपनी ऑडियंस को बताओ, अच्छा हो या बुरा हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई गेस ज्यादा बोल बच्चर हो गया, तो अब एक बार गाड़ी चलाता हूँ और स्पीडोमीटर का रिस्पॉन्स एक बार चेकआउट करेंगे अब। ठीक है भाई, तो थोड़ी सी आगे रोड जो है वो खाली सी है इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ। सो नीचे अगर आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट जो है, ठीक है अभी डंडी में टच होने के बाद 20 की स्पीड हो जाएगी, 20 में टच है, इसमें 18 शो कर रहा है, मतलब 20 तक हो जाता है, एक दो का फर्क या चार का फर्क कभी कभी दिखाता है। ठीक है, और नीचे जो दिख रहा होगा देख रहे हो, हाँ ये आप लोगों को बेसिकली पावर बता रहा है कि जब आप गियर स्पीडिंग तेज करते हो तो तब क्या रिस्पॉन्स आता है। इसी के साथ में आज के इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। एक चीज आप लोगों को एड ऑन करके इसमें और बताया था, अगर आप में से कोई मेरे से जैसे मैसेज करता है कि भाई हमारी गाड़ी को फीचर कर दो, तो योर कार शुड लुक आउट ऑफ द बॉक्स, तभी उसको हम लोग फीचर करते हैं। अगर वो नॉर्मल कार है तो प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट मत करना भाई, अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है तो मैं जरूर करूंगा, अगर आउट ऑफ द बॉक्स है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR 7811 यानी कि मुसाफिर 7811, आपका भाई आपको ऐसे प्यार करता रहेगा, आप भी मेरे को प्यार करते हो आई नो, इसीलिए इतनी बढ़िया वाली हमारी फैमिली है। सो कर रहे हैं आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।